हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट आदर्श कुणाल कुमार बार बार आता रहूँगा और आपके दिलों में जो जगाता रहूँगा। तो जी, ये वीडियो में क्या है कि ये जो रिकवरी वाला दल्ला है, किसी कस्टमर के पापा को, फादर को अब्यूज़ कर रहा है, धमका रहा है, और ये उनके लिए ख़ास तौर से मैं वीडियो डेडिकेट करूँगा। जो बंदे मुझे ना ज्ञान देते हैं कि आप गलत कर रहे हो, पैसा लिया है तो दे दो, तो मेरा उनसे इस वीडियो के थ्रू क्वेश्चंस रहेगा। अगर आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं तो ज़रूर देना कि इस वीडियो में बंदा अगर पेमेंट नहीं भर पा रहा किसी भी वजह से, तो क्या उसके पापा को कॉल करना, अब्यूज़ करना, थ्रेट देना, ये जायज़ है? अगर उसके बाप को कोई बीमारी हो, हार्ट अटैक हो, या कोई भी किसी भी समस्या से जूझ रहा हो, और वो इस तरीके से ट्रीटमेंट की वजह से इनके उसकी कैसे भी डेथ हो जाए या कुछ हो जाए, तो बहन के लड़े ये दल्ले या तुम उसकी जान वापस दिला दोगे? या फिर कोई कस्टमर डायरेक्ट सुसाइड कर लेता है, जैसे इंदौर में एक अमित यादव नाम के बंदे ने किया था, ये ऐप के थ्रेट और हरेसमेंट की वजह से खुद ने सुसाइड किया, अपने दो बच्चों को उसने जहर दे दिया, बीवी को ख़त्म कर दिया, तो क्या तुम उनकी जान वापस ला सकते हो? तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं ना अपना और मेरे जितने भी व्यूवर हैं जो मुझसे जुड़े हो, मैं सबके पैसे बैंक को भर दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो दोस्तों, जवाब ज़रूर देना। जो भाई बंधु मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे आपके दोबारा ज्ञान की ज़रूरत है, मुझे देना प्लीज़। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, आपने बोलो तो एक मिनट कॉल कीजिए। सर जी, वो जो है ना आपके लिए एक हो सकता है जी, 15,000 रुपये भर दीजिए क्या, और जब आपके पास 5,000 रुपए आएंगे अगले महीने, उसके अगले महीने सर मेरी फिर वो एनओसी नहीं आएगी ना, तो सर आपको वही बोल रहा हूँ, 20,000 रुपए भर दीजिए आप तो हो जाएगा। नहीं तो सर क्या है पता है क्या, हम मतलब ज्यादा तो नहीं बोलता, फिर ऐसा बोलूंगा सर कि आपके आपके रिश्तेदारों में इज्जत भी नहीं रहेंगे और आप कभी सेटलमेंट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो दोस्त है ना वो उसने 3 लाख का लोन लिया वाला है क्या, तो आपको वो समझ में नहीं आ रहा, उसका 3 लाख का लोन है, आपका 50,000 का लोन है, उसके वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान होने वाला है सर। अभी क्या है, आपने जो मेरे सर से बात देखो सर, एक मिनट बात सुनो सर, आपने अभी भी एक धमकी दी ना मेरे को कि आपके समाज में ऐसी इज्जत ही नहीं रहेगी, आपने क्या बोला अभी? तो वही ना सर, मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि क्या है सर, अभी मैंने आपसे इतनी प्यार से बात की थी सर क्या, आपका कहा 25,000 और कहा 20,000 और कहा 41,000, उसमें आपका क्लोज भी करवा के दे रहे थे सर। तो हमारे जो सर थे ना जिनसे बात की, तो उन्होंने ऑल ओवर भारत पे जो है ना आपका नाम और आईडी आपकी एक्सटेंड कर दिए, तो इसके बाद आपके ना मतलब अभी भी कॉलिंग होंगे रिश्तेदारों में आगे भी, लेकिन इससे गंदी होगी, तो फिर इसके बाद है ना आप अगर पूरे भी पछताए तो आपका क्लोज जो होगा वो 41 में होगा, 20, 25, 30 इसमें नहीं होगा, ये ध्यान में रख दीजिए हमेशा के लिए। और आपका जो दोस्त है ना जिसका सुने आपने, तो अच्छी बात है सर, और हमने उसका नंबर भी लिए थे तो उसे भी पता चल जाएगा कि 1 लाख में उसका कैसे क्लोज होता है। अच्छा, लेकिन सर ये 5,000 का जो नुकसान है ना आपका, ये आप लाइफ टाइम भर नहीं पाएंगे, ये ध्यान में रख दीजिए, क्योंकि क्या है हम आपको फोन कर रहे हैं, आप हमारा कॉल कट कर रहे हैं, मैसेज से बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैंने तो बोला कि 15 में कर देते सर, मैं वही बोल दिया हूँ। देखो 15 में होता तो इतना आपको नहीं बोलते थे ना सर। देखिए सर, 5 बज रही है, कर दो तो मतलब मैं अभी आपका पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ही पहुँचा देता मैं आपको, इसलिए बोल रही हूँ मैं। आप करने को सब कर सकते हो, आपने क्या बोला मैं एनओसी दिलवा दूंगा, उसके बाद में जो भी ऊपर का देगा वो आप मेरे को कर देना, मैंने आपको बोल दिया चलो ठीक है पर मैं वो कर दूंगा, लेकिन बीच में हो रहा है ना, बीच में क्लियर बोल दे रहा हूँ ना मैं, बीच में हो रहा है ना, लेकिन 15 में सर इस जन्म में तो अभी पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर बोल दे रहा हूँ। फिर आप आरबीआई में भी गए ना, तो अगर आरबीआई में भी आपका 15 में क्लोज हो गया ना सर क्या, तो मैं खुद आऊंगा आपको सल्यूट करने के लिए, 15 में अगर हो गया तो आपका जो दोस्त उसके दिल की धक्का रहा है क्या, तो सर कंपनी उसके आपके दोस्त के ऊपर नहीं चलती ना, वो बोल रहा है इतना ले लो, इतने में कर दो, उतने में कर दो। क्या आपके सीनियर है क्या अभी साथ में? सीनियर सर, अभी सीनियर तो है साथ में, लेकिन वो आपसे बात नहीं करेंगे सर। नहीं, मैंने बात करवाई है सर, उन्होंने मेल कर दिया सर, अभी कंपनी के ऊपर से कॉल आया है, मतलब मेल आया है
कि अभी सेटलमेंट जो था आपका बीच का, हाँ, वो जो मेल आया था ना, हाँ, तो उसे भी रिजेक्ट किया जाए, तो वही प्रोसेस में है, वो आपका बीच का भी मेल रिजेक्ट हो रहा है, तो आपकी अभी लाइफ टाइम कभी जिंदगी में सेटलमेंट नहीं होंगी। मेरी एक काम कीजिए, पढ़ना भी होगा। हाँ बोलिए। मेरी आपके सीनियर जो है उनसे बात करवाइए, अगर मैं भरता हूँ आप तो मेरे को बताइए कि चलो अगर मैं भर भी देता हूँ तो मेरे को क्या, मेरे को एनओसी मिलेगी क्या, कितने कब मिलेगी मेरे को एनओसी? सर आपको बोला 24 घंटे में आपका अकाउंट क्लोज होके 00 होके आपको एनओसी मिल जाएंगे, आपको पहले भी क्लियर बोला सर। ऐसा नहीं है, आपकी फोन नहीं उठाओ, आप फोन नहीं उठाओ, ऐसा नहीं हो सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखो आपने अभी मेरे को क्या बोला कि मतलब इससे और बेकार कंडीशन होगी और गाली गलौज होगी रिलेशन वालों का, आपने ऐसी बात बोली अभी भी मेरे को। सर जी मैंने आपको नंबर मैसेज किया है, उस नंबर पे अभी आप फोन पे रहकर कॉल कीजिए, कौन कॉल उठाता है देखिए, आपको नंबर भेजा ना मैंने व्हाट्सएप पे, उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे जो एक नंबर भेजा, हाँ उस पर कॉल कीजिए, कौन बात करते हैं कॉल कीजिए एक बार, वो आपकी का है ना, मैंने शायद उस पर करा अभी फोन, तो इमीडिएटली कॉल कीजिए उस पर, मैंने आपको एक नंबर भेजा ना उस पर। हम इन रिकवरी एजेंटों को इसलिए पेलते हैं, रेलते हैं, गालियां देते हैं बहन के भोसड़ों को, क्योंकि ये जो रिकवरी करते हैं आरबीआई को साइड में रख के करते हैं। हम लोगों में हिम्मत देते हैं कि वो इनसे सामना करें, इनसे फाइट करें, कोई गलत स्टेप ना उठाएं, डिप्रेशन में ना जाए। तो हमारा इंटेंशन ये नहीं रहता कि इनकी पेमेंट आपके पास है और मत दो, हमारा मकसद ये है, हम जो गाइड करते हैं अपने व्यूवर को कि आपके पास पेमेंट है तो दे दो, और नहीं है तो इनको बोलो बहन के भोसड़ों को कि पेमेंट रखिए लंडन पे आके ले जा। ठीक है दोस्तों, जिसको बुरा लगता हो लगो, मैंने किसी की गांड नहीं मारी, जिसको अच्छा लगता हो उसको वेलकम, और जिसको बुरा लगता हो वो भीड़ कम, वो वाला साहब है अपना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।